अभी हेलीकॉप्टर मेरे को बोलते थे हेलीकॉप्टर में जाता हूँ, अब अपने आप किसमें जा रहे हैं क्या? 300 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, 5 लाख बेरोजगारों को कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, 6 महीने में 6,000 हमारे आउटसोर्स में लगे हुए नौजवान बच्चे उनको घर भेज दिया छुट्टी करा के। 6 महीने से हमारे आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कोविड के जो जितने भी हमारे जिनने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके हमारी जिंदगी बचाई, चाहे वो नर्से हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। अब टेंडर किया कि एक हेलीकॉप्टर हमको बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए और एक फिक्स विंग बड़ा चाहिए, जहाज चाहिए। अभी टेंडर की प्रक्रिया उसमें चल रही है, सोच चल रही है, विचार चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महाजनसंपर्क अभियान में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर, हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आई सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुखू सरकार ने सत्ता में आते ही कई संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकारें विकास के लिए होती हैं लेकिन सुखू सरकार तालाबंदी के लिए मशहूर है। उन्होंने कहा कि सरकार संभालने के 6 महीनों में ही 7,000 करोड़ का उन्होंने लोन ले लिया, हेलीकॉप्टर के साथ चार्टर प्लेन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल की सरकार में एक दिन के लिए भी चार्टर प्लेन का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने हर जगह पर विकास कार्य ठप कर दिए हैं, गारंटियों के बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है, प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा सुनिए। तीन सौ यूनिट बिजली फ्री करने की बात कही, 5 लाख बेरोजगारों को कहा कि सरकारी नौकरी देंगे, 6 महीने में 6,000 हमारे आउटसोर्स में लगे हुए नौजवान बच्चे उनको घर भेज दिया छुट्टी करा के। 6 महीने से हमारे आउटसोर्स में लगे हुए हमारे कोविड के जो जितने भी हमारे जिनने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके हमारी जिंदगी बचाई, चाहे वो नर्से हैं, फार्मासिस्ट हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल पाई। 15,000 कर्मचारी हमारे हिमाचल प्रदेश में जिनको आज कितनी तारीख हो गई, 19 तारीख होगी, तनख्वाह नहीं मिली। अब कर्मचारियों को महसूस भी हो रहा है कि नाटी तो डाल दी, अब करें क्या। और फिर लोग बोल रहे हैं कि भाई सुखू भाई ने तो वादा किया है पेंशन का, तनख्वाह का नहीं किया बोलते। अरे आने वाले समय में हिमाचल में यह परिस्थिति बनने वाली है कि तनख्वाह देना भी मुश्किल हो जाएगा, पेंशन देना भी मुश्किल हो जाएगा, और जो काम जहां हम 6 महीने पहले छोड़ गए थे, आज वहीं से आवाज लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि तुम कहां हो, हम वहीं रुके हैं, 6 महीने बीत गए, सड़कों का काम बंद, पुल का काम बंद, कॉलेज का काम बंद, हॉस्पिटल का काम बंद, व्यवस्था परिवर्तन, पैसे नहीं है बोलते हमारे पास। अगर पैसे नहीं है तो 6-6 CPS काहे को बनाए भाई। अभी हेलीकॉप्टर मेरे को बोलते थे हेलीकॉप्टर में जाता हूँ, अब अपने आप किसमें जा रहे हैं क्या? अपने आप ही जाते हैं हेलीकॉप्टर में, जाते हैं जिसमें मैं जाता तो उसी में जाते हैं। अब टेंडर किया कि एक हेलीकॉप्टर हमको बड़ा चाहिए, एक छोटा चाहिए और एक फिक्स विंग बड़ा चाहिए, जहाज चाहिए। अभी टेंडर की प्रक्रिया उसमें चल रही है, सोच चल रही है, विचार चल रहा है। जब शोर पड़ गया तो सुखू भाई कहने लगे हम सोच रहे हैं क्या लेंगे ही नहीं बोलते। हमने कहा कि भाई आप लो चाहे ना लो, लेकिन आप लोगों ने हमारी तो ऐसी तैसी करते रहे, आप बोल बोल करके जयराम हेलीकॉप्टर। मैं हेलीकॉप्टर में जाता था, सड़क से भी जाता था, पैदल भी जाता था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबसे ज्यादा अगर पहाड़ों पर चल करके किसी ने काम किया तो मैं यहां खड़ा हूं। हजारों किलोमीटर चला हूं पैदल, 12,000 की हाइट पर, 13,000 की हाइट पर हम चले, हमने ये पहाड़ सिर्फ देखे नहीं है, चढ़ाई भी चढ़ी है, उसकी उतराई भी चढ़ी उतरी है। इसलिए मत समझाइए हमको इस बात को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चलो
राजनीति थी, उन्हें कहना था, कुछ कहना था तो कहते रहे, हम सुनते रहे। लेकिन आज मैं उन्हीं मित्रों को कहना चाहता हूं, कई लोग इस बात को लेकर के बहुत सारी चीजें कहते थे, आज मेहरबानी करके उनके बारे में भी थोड़ी टिप्पणी किया करो, जो हेलीकॉप्टर होने के बावजूद भी चार्टर्ड प्लेन ले रहे हैं। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा लेकिन एक बार भी चार्टर्ड प्लेन नहीं किया मैंने दूसरी जगह। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए सोनी ज्वेलर्स। आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रभारत के साथ।